दोस्तों इंडियन एयरफोर्स एएमसी फाइटर जेट की डेवलपमेंट में एक क्लॉज के ऊपर इंसिस्ट कर सकती है, जिसमें वो कह सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट के लिए हमें एक इंडिजिनस एयरो इंजन ही चाहिए। एएमसी फाइटर जेट यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डीआरडीओ डेवलप कर रहा है और अभी के प्रोजेक्ट्स के मुताबिक ये 2026 तक उड़ान भरेगा। इस फाइटर जेट को इसलिए डेवलप किया जा रहा है कि फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स को कोई भी एयरक्राफ्ट बाहर से खरीदना ना पड़े, इसलिए उनका कहना है कि इसमें एक होम ग्रोन इंजन चाहिए ताकि हम पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंस अचीव कर सकें। सोर्सेज का कहना है कि एमसीए की पहली दो स्क्वाड्रंस अमेरिकन ओरिजिन GE414 इंजन से पावर होंगी। अगले कुछ महीनों में इस प्रोजेक्ट को इसी कंडीशन के ऊपर क्लियर किया जाएगा कि अगर डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट के साथ साथ एक इंडिजिनस फाइटर जेट इंजन डेवलप करती है तो एएमसीए के लिए फाइटर जेट इंजन डेवलप करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट भी किया जा सकता है। इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के बीच में ये असेसमेंट की गई है कि इंडिया के फ्यूचर एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन टेक्नोलॉजीज नीडेड हैं वो फ्रांस, यूके और अमेरिका जैसे नेशंस के पास अवेलेबल हैं। इंडियन एयरफोर्स नहीं चाहती है कि जो कमी चाइनीज वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंडिजनस इंजन ना होने के कारण आई है वो हमारे वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी आए। डीआरडीओ ने एएमसीए के लिए प्रिलिमिनरी डिज़ाइन कैरी आउट कर लिया है और वो कॉन्फिडेंट है कि वो इंडिया के एएमसीए का पहला टेस्ट फाइटर जेट इस प्रोजेक्ट की फंडिंग क्लियर हो जाने के 5 साल के बाद रोल आउट कर देगा। एयरफोर्स ने भी इस एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को पूरी तरह सपोर्ट किया है। इससे पहले राफेल फाइटर जेट डील में इंडिजिनस कावेरी फाइटर जेट को फ्रांस की एक कंपनी के साथ मिलकर डेवलप करने का प्लान टेक ऑफ नहीं कर पाया है। हालांकि फ्रेंच साइड के द्वारा इंडिया में एरो इंजन इकोसिस्टम क्रिएट करने की कुछ प्रेजेंटेशन की गई थी। ऐसे ही एक यूएस इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव में इंडिया के साथ जेट इंजन टेक्नोलॉजी शेयर करने का ऑफर किया गया था, लेकिन वो भी पिछले साल से वहीं अटका हुआ है और इसके ऊपर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।